हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड यू तिर्की ब्रदर। तो कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है वो एग्रीकल्चर पे है। हम गांव में किस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं वो आपको दिखाएंगे। एक मैसेज है जो आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस ला सकती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर गाइस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए और आप बने रहिएगा। मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, तो जितने भी किसान धान की खेती करते हैं वे अभी खेतों को तैयार करने में लगे हैं। पहले खेतों पे हल चलाना, फिर उसे प्लेन करना, फिर उन धान के पौधों को खेतों से निकालना जो 25 से 30 दिन पहले नर्सरी की हुई हो, फिर उन धान के पौधों को तैयार खेतों में ले जाना, फिर धान के पौधों को खेतों में लगाना। पूरा परिवार काफी मेहनत करता है और वो दिन भर का खाना भी खेतों की ओर ले जाते हैं, और उन्हें जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं एंड फिर काम पे लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि खेती बाड़ी करने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यहाँ के किसान धान की खेती के साथ साथ उड़द, मड़ुआ, सरसों, सरगुजा और बादामों की भी खेती करते हैं। मुझे किसानों की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि अपने प्लेट में आया हुआ अनाज को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी उतना ही खाना लीजिए जितना खाना आप खा सकते हैं। आप खाना को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हर दाने दाने पे खाने वालों का नाम लिखा होता है। तो ये बात मेरे दिल को छू गई, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी खाना को बर्बाद मत कीजिए, फूड वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक फसल को तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है और किसानों की बहुत ज़्यादा मेहनत। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात तो तब होती है जब कोई बड़ा उद्योगपति अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहा होता है और किसानों के खेतों में पक रहे फसल के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलवा देता है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और किसान टूट जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। वही किसान जो दिन रात मेहनत करता है, वही किसान जो ठंडी, गर्मी और बरसात में खूब मेहनत करता है, वही किसान जो मिट्टी से जुड़ा होता है, वैसे किसान को आराम कहाँ। सो गाइस, हमेशा किसानों को सपोर्ट कीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे। सो गाइस, जय जवान जय किसान। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना एंड दुआओं में याद रखना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे।